वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है डीजे के सिंह और आप देख रहे हैं क्या फल मोबाइल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी भी गाने का बीपीएम कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी उस गाने को कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी गाने को फास्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है म्यूजिक स्पीड। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर के सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं उस एप्लीकेशन को आपको दिखा दूं। उस एप्लीकेशन को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ म्यूजिक। देखिए, यही एप्लीकेशन है, कुछ इस प्रकार से इसका आइकन है, देख लीजिए। ठीक है, तो सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना होगा, डाउनलोड करके ओपन कर लेना होगा। ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक मेमोरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा, देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ है इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, और आप जिस भी फाइल में गाना रखे होंगे वहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप एसडी कार्ड में रखे होंगे तो आप वहाँ से भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर स्टोरेज में रखे हैं यानी इंटरनल स्टोरेज में, तो वहाँ से भी आप गाने को रख सकते हैं यानी ले सकते हैं। तो मैंने स्टोरेज पर क्लिक किया। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और जहाँ पर भी आप सॉन्ग को रखे होंगे, जिस भी सॉन्ग का बीपीएम आपको बढ़ाना है, उस सॉन्ग को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा उस फाइल में जाकर। तो मेरा होगा फाइल में, मुझे फाइल में उसमें अंदर जाता हूँ। जाने के बाद से यहाँ पर लिखा होगा ऑडियो फाइल, इसके अंदर मेरा सॉन्ग है, तो यहाँ पर जाता हूँ और आप भी चले जाइएगा और इस गाने को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए, इसने ये गाना रहा कि इसे गोली मारी, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए बजने लगा, इसको मैं ऑफ कर दूंगा। देखिए यहाँ पर कोने पर तीर का आइकन, इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से ये गाने का आइकन आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, अब इस गाने का स्पीड बढ़ाना है। तो देख सकते हैं इसका जो ओरिजिनल बीपीएम है, यहाँ पर लिखा हुआ 102, इसका ओरिजिनल बीपीएम है। ठीक है, और ऊपर जो टेम्पो है, टेम्पो लिखा हुआ है। अब इसका यहाँ से हमको इस गाने का बीपीएम या टेम्पो बढ़ाना है। तो चलिए, बढ़ाने के लिए हम इसको अपने हिसाब से, इसको आप अपने गाने के हिसाब से जितना भी आपको अच्छा लगे इसको बढ़ा देना है। ठीक है, तो इसको 102 था। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं नीचे इसका जितना ही बीपीएम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको परफेक्ट बीपीएम यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिए। चलिए, यहाँ पर मैं बढ़ाकर इसको 20 कर देता हूँ। देखिए इसका 120, अब थोड़ा सुनेंगे कैसा लगेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस गाने को आपको सेव करना है। ठीक है, तो सेव करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर एक्सपोर्ट है। ठीक है, और रही बात ये पिच जो लिखा हुआ है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो इस गाने का जो आवाज़ होता है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, पतला या मोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर में छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप बीपीएम स्कोर भी यहाँ पर इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसका बीपीएम जो रखा हूँ वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया हूँ, इसका बीपीएम मैंने 120 रखा। और एक्सपोर्ट करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ भी आप इसका बीपीएम या टेम्पो छेड़छाड़ करना चाहते हैं, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। देख लीजिए, और यहाँ पर मैं इसका बीपीएम जो लिखा है BPM, और इसका बीपीएम जो हमारा था वो यहाँ पर लिख दे रहा है 120। ठीक है, उसके बाद से आप इसको ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद से ऐड आया, इस ऐड को मैं यहाँ से काट देता हूँ। काट देने के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सॉन्ग है यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी गाने का बीपीएम जो है यानी उसका स्पीड आप कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कम करने के लिए आपको नीचे करना होगा, मैं आपको बता दूं। इस प्रकार से अगर इसको नीचे करेंगे नीचे, तो इस सॉन्ग का जो स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा। और यहाँ पर जितना स्लो होगा इसको ओरिजिनल बीपीएम यहाँ पर दिखाएगा, बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो, और इसका परफेक्ट बीपीएम यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन है। अब ये गाना देखिए एक्सपोर्ट हो चुका है। देखिए, अब इस पर क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ बजा कर चेक भी कर सकते हैं। तो
दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बज रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी गाने का जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।